अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू दी चैनल। क्या हाल है? आज जुम्मा है तो सबसे पहले आप सबको जुम्मा मुबारक। और आज का ब्लॉग थोड़ा सा डिफरेंट है। वो डिफरेंट क्या है, आज मैं आपको दूंगा अपने रूम का छोटा सा टूर, अपना वर्क रूम दिखाऊंगा। ये वर्क रूम है मेरा, इधर मैं काम करता हूँ। और उससे पहले आप देख सकते हैं काफ़ी गंदा हो रहा है, तो सबसे पहले रूम साफ़ करेंगे फिर उसके बाद मैं आपको अपना रूम दिखाऊँगा कि मैंने क्या क्या रखा हुआ है। और चलो फिर पहले रूम साफ़ करते हैं, फिर आपको दिखाता हूँ। हाँ तो भाई, हो गया कमरा साफ और देख सकते हो आप, ये देखो अभी। लेकिन यहाँ थोड़ा सा ऑयल गिरा हुआ है और थोड़ा चिपचिप हो रहा है, तो वो तो बाद में करूँगा। तो अभी चलो स्टार्ट करते हैं आपको दिखाना। तो यार हम स्टार्ट करेंगे वहाँ से, बिल्कुल पीछे से ना, वो बिल्कुल कोने से, वहाँ से स्टार्ट करते हैं। चलो आपको दिखाता हूँ। हाँ तो यार ये तो ड्रोन है, ठीक है, ये ड्रोन है। इसको शेप आप देख लो, अंडे वाली शेप है। तो ये अंडे वाला ड्रोन है और ये सारी छोटे छोटे मॉडल्स पड़े हुए डिंकियाँ हैं। ये मुझे काफ़ी शौक है रखने का। ये भी है, कुछ ट्रांसफॉर्मर्स भी हैं इसमें, ऑप्टिमस प्राइम भी है। ये रहा मेरे का, ये तो निकल गया, इसको लगाएंगे। तो ये गाड़ियाँ, ये काफ़ी पुरानी बाइक है मेरे पास। और ये जो आपको नज़र आ रही हैं, ये हैं इंजन गाड़ियों के, काफ़ी सारे इंजन रखे हैं। और ये मॉडल है बाईप्लेन का, ये तो मॉडल है। और ये मैंने बनाया था खुद, अभी इसकी टेस्ट फ्लाइट नहीं की, इसकी भी करेंगे फ्लाइट। इसके अंदर बैटरी लगती है यहाँ। और ये कुछ टूटे हुए ड्रोन हैं, ये कुछ फॉर्चून है, हेलीकॉप्टर है, ये भी टूटा हुआ ड्रोन है। और ये ड्रोन लगे हैं कुछ यहाँ पे। अच्छा, ये वाला मैंने बनाया, ये रेसर है और इसमें लाइव व्यू कैमरा लगा हुआ है, गॉगल्स पहनते हैं तो उसमें आपको लाइव है। और इसी के साथ ये ड्रोन है और इसका रिमोट ये गोल्डन वाला पड़ा हुआ है, ये हेलीकॉप्टर है। ये एक्शन कैमरा फॉर सेल रखा हुआ है मैंने यहाँ पे। और ये देख सकते हो आप, ये मेरा आरसी प्लेन्स का छोटा सा कलेक्शन है, इसको ऊपर नीचे कर दिया। ये डस्टी है, इसकी आपने शायद मूवी देखी हो, एनिमेटेड मूवी। ये F-16 है, ये ऑरेंज कलर का। और ये F-22 है, पीछे विंग है ये, और इसको आयरन मैन का कोई जहाज़ है ये। और ये मेरे पास हेलीकॉप्टर्स का कलेक्शन है छोटा सा। ये हैं 4 चैनल वाले हेलीकॉप्टर्स, ये प्रोफेशनल हेली होते हैं, इसमें सर्वो लगी होती है। इस तरह में डिफरेंट कलर के भी हैं, पीछे ग्रीन भी है, ऑरेंज भी है, काफ़ी सारे रखे हुए हैं, भी नज़र नहीं आ रहा। और ऊपर ये एक ड्रोन पड़ा हुआ है, एक ये हेलीकॉप्टर पड़ा हुआ है, पीछे भी एक ड्रोन है, ड्रोन प्लस कार है वो पीछे नज़र जो आ रही है। और ये हेलीकॉप्टर्स रखे हैं छोटे, अभी इनसे भी ज़्यादा और पड़े हुए, लेकिन वो मैंने बॉक्सेस में रखे हुए हैं क्योंकि जगह तो और नहीं है। और दिखाता हूँ आपको, ड्रोन है, ये नीमो वाला हेलीकॉप्टर है, ये केरा कलेक्शन। इस वाले में चलते हैं, इस वाले में आपको ड्रोन नजर आएंगे, सारे ड्रोन हैं। ये सारे सेल के लिए रखे हुए मैंने, तो सेल भी करना है। अच्छा, एक और चीज़ दिखाता हूँ आपको, इस वाले बॉक्स में जो है ये हाइड्रोप्लेन है, ये बोट है, ब्रशलेस बोट है, कार्बन फाइबर की है। अच्छा, ये कोपरो पड़ा हुआ है, हीरो 3 है। और ये कुछ मेरा सामान है, इसमें मोटर्स हैं, ये सारी बैटरीज
बैटरीज का कलेक्शन है, ये भी बैटरीज हैं। तो यार एक मिनट, अजान हो गई, अजान हो जाए फिर कंटिन्यू करते हैं। हाँ तो यार अजान हो गई थी और ये भी बैटरीज पड़ी हुई हैं, इसमें ये छोटे छोटे EDFs हैं, डक्टेड फैन जो होते हैं, ये थोड़ी सी बैटरियाँ पड़ी हुई हैं। और इस तरफ आएँ तो इस बॉक्स में भी बोट और हेलीज पड़े हैं। पीछे एक बोट है और ये दो हेलीज लगाए हैं मैंने। एक और बोट ये पड़ी हुई है, रेसिंग बोट, ये नज़र आ रही है आपको, इसको मैं दिखाता हूँ निकाल के। यार पहले ये रिपोर्ट, ये बोट है, ये भी रेसिंग बोट है, काफ़ी तेज़ स्पीड है इसकी। हेलीकॉप्टर है, ये बॉल वाला हेलीकॉप्टर है। और इसी के साथ इधर ये गाड़ी है, इंजन वाली, ब्रांड न्यू है, डब्बा पैक, अभी अनबॉक्स भी नहीं किया इसे। और ये कुछ प्लेन के बॉक्सेस पड़े हुए हैं, ये कार्बन फाइबर रॉड्स हैं, सारी कार्बन फाइबर रॉड्स पड़ी हुई हैं। ये स्केटबोर्ड है, अच्छा ये स्केटबोर्ड जो थी ना रिमोट कंट्रोल थी, वायरलेस रिमोट के साथ ना, तो उसका रिमोट ख़राब हो गया था। मैंने आपके भाई ने जो गाड़ किया वो लिया, ड्रिल का रेगुलेटर है ये, सही है, स्पीड कंट्रोल करता है ना, तो मैंने ये लगा दिया। अब ये है कि उसमें बैटरी लगा, अब आप इसमें फॉरवर्ड बैकवर्ड दोनों है और अपनी मर्ज़ी से स्पीड कंट्रोल कर। तो ये जुगाड़ मैंने की थी। इसी के साथ ये इंजन पड़ा हुआ है, एक छोटा सा है बिल्कुल, ये इंजन है। और ये एक प्लेन पड़ा हुआ है, इस अनकम्प्लीट है, इसको, ये इंजन वाला प्लेन है, इसमें आगे इंजन लगा हुआ है, ये वुड का है, बालसा वुड का, इसको कम्प्लीट करना है। और ये कुछ प्लेन पड़े हुए डबल पैक, ये भी फॉर सेल हैं। और ड्रोन पड़े हुए, ये ऊपर गाड़ियां हैं, ये FPV गॉगल है, इसके अंदर वो लाइव व्यू आपको नज़र आता है, जो मैं आपको उतारता ना, एक ड्रोन रखा हुआ, वो रेड कलर का जो रखा हुआ है, इसके अंदर आपको व्यू देता है लाइव। और ये रिमोट का बॉक्स है, और एक ये ड्रोन पड़ा हुआ है, और ये हाफ कलेक्शन है अभी, ये रिमोट का, ये सारे प्रोफेशनल रिमोट पड़े हुए हैं इसमें, फ्लायर्स का भी हैं, कोयर शो के भी हैं, लूसी भी है, HPI भी है, स्पेक्ट्रम भी है, DX प्रो भी है। और ये जहाज़ का है रिमोट, पीछे एक JR का पड़ा हुआ है, JR ब्रांडेड। और कुछ ये गाड़ियां हैं, एक ये है, अच्छा इसी डिज़ाइन, इसी से थोड़ी सी डिफरेंट एक ये भी है, ये 5B का डिज़ाइन है, बाजा 5B जो होती है, और ये 5T का डिज़ाइन है। कुछ ये गाड़ियां भी पड़ी हुई हैं, और एक ये ब्रशेस कार पड़ी हुई है, ये सिमुलेटर का रिमोट है। और ऊपर आप देख सकते हैं, ये कुछ हेलीकॉप्टर रखे हुए हैं, ड्रोन है, पीछे जहाज़ रखा हुआ है, ये हेलीकॉप्टर डब्बा पैक है, ये ड्रोन है, सबसे पहला मेरा ये ड्रोन है, और ये भी ड्रोन है। ऊपर एक प्लेन पड़ा हुआ है, इसके पीछे भी एक और प्लेन है, एक वो सबसे ऊपर बॉक्स पड़ा हुआ है ये, और पीछे स्टेल्थ बॉम्बर, एक मिनट दिखाता हूँ मैं आपको, विंग है, फाइटर विंग जो होते हैं, सही है। और ड्रोन भी काफ़ी पड़े हुए हैं डिफरेंट स्टाइल के, दिखा सारे निकालूंगा तो फिर इधर उधर सामान भी खर्चेगा। और ये एक ब्रशेस कार XTM, एक ये मॉडल है, इसको भी कंप्लीट करना है, ये भी कंप्लीट नहीं किया हुआ। ये कोई शो की मिनी मैडमैक्स है, इस पर मैंने ऑन रोड का कवर लगा दिया, नीचे ट्रैक्सिस की गाड़ी पड़ी हुई है। अच्छा तो ये जो है ना, ये स्कूटी बिल्कुल आपके मैंने मॉडिफाइड की है, ये स्कूटी नॉर्मल स्कूटी थी, ठीक है, इसको मैंने पीछे मोटर लगाई है, और इसकी वीडियो भी मैं जल्दी अपलोड करूँगा इंशाल्लाह। तो अब ये कि ये इलेक्ट्रिक स्कूटी बना दी है मैंने, काफ़ी बहुत तेज़ स्पीड है, मैंने इसको 12 वोल्ट की मोटर, मैंने इसे 18 वोल्ट की दो बैटरियाँ लगा के चलाया था, और क्या बर्नआउट किया था इसने। ये HPI की है XL, और ये ट्रैक्सिस रिवो पड़ी हुई है,
और ऊपर ये ट्रैक्सी रेस्लर है, इनकी आपने वीडियोस तो देखी होंगी, नहीं देखी तो मैं इनका लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में नीचे। और ये एक प्लेन पड़ा हुआ है, ये एफटी क्रूज़र है, फ्लाइट टेस्ट वालों का एफटी क्रूज़र है। और ये इसको तो आपने देखा ही होगा, नहीं देखा तो इसकी भी वीडियो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और तो देख लेना, ये F-18 है, ये थोड़ा खोल दिया इसको मैंने सब कुछ। और एक ये विंग है, ये इनकम्प्लीट विंग है, इसको भी कंप्लीट करेंगे। ये भी फ्लाइट टेस्ट वालों का FT क्रैकन, अभी अब तक का मेरा सबसे बड़ा जहाज़ है ये, इसको मुझे नीचे लेटना पड़ेगा फिर दिखाता हूँ। तो ये चेक करो, 8 फीट इसकी लेंथ है। ये F-22 है, इसका भी इसको भी कंप्लीट करना है, इसके लिए EDF मंगवाया हुआ है, 90mm का EDF है, 11 प्लेट्स हैं। ये इसके विंग्स हैं, तो इस तरफ गाड़ियां रखी हुई हैं मैंने। ये जो है ये रेड ट्यून रनर है, और ये बाजा 5 रेड ट्यून रनर है, बाजा है ये अमेरिकन बाजा। और ये जो है ये रोवन बाजा है, इसका मैंने कवर उतारा हुआ है। इसमें जो है 30cc का इंजन है, इसमें 26cc का इंजन लगा हुआ है। और नीचे ही यहाँ पे HPI बाजा है, ये HPI ब्रांडेड बाजा है, HPI 5 भी। और नीचे ही एक ऑन रोड कार है, ये मुझे गिफ्ट किया था किसी ने, इसको रखा हुआ है मैंने, इसको अभी तक नहीं उड़ाया। ये रेड कलर का ऊपर ब्लू है ना, वो अलग है, वो मैंने ऊपर विंग अटकाया हुआ है। और ये एक ग्लाइडर है निको का। और ये स्पिटफायर है जो ब्राउन कलर का हुआ है, इसकी बिल्ड वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, और फ्लाइंग वीडियो भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। स्पिटफायर है, लास्ट टाइम ये क्रैश हो गया था, उसके बाद मूड नहीं हुआ इसको सेट करने का। ये भी MiG-29 है, और 2 चैनल है ये। ये भी सेल के लिए ही है, इसको मैंने 1-2 दफ़ा ही उड़ाया, इसकी वीडियो नहीं बनाई मैंने, लेकिन ये फॉर सेल है। और ये आपके भाई का छोटा सा बेड है, ऊपर गाड़ी रखी हुई मैंने नाइट वाली, और ड्रिल मशीन पीछे, थर्मोपोल। सोता तो नहीं हूँ यहाँ पे, ऐसे कभी थक जाऊँ तो बस बैठ जाता हूँ, लेट जाता हूँ, सोने के लिए नहीं है। यार इधर टेप्स रखे हैं मैंने, ये सारे कलरफुल टेप्स हैं। नीचे पावर बैंक हैं, और ये ब्राउन कलर का जो बॉक्स है, इसके अंदर EDF इंजन जो होते हैं, ये इलेक्ट्रिक डक्टेड फैन, और इस वाले में इंजन हैं, इसको तो छोड़ो। इधर सारा ब्लैक एंड डेकर बॉश का सामान पड़ा हुआ है, सारी ड्रिल मशीन है इसके अंदर, और ब्लोअर पड़ा हुआ है, हॉट एयर गन है, और काफ़ी सामान है इधर भी। तो इसमें थोड़े औजार रखे हुए हैं, इस वाले में जो है थोड़ा प्रोपेलर हैं, ये प्रोपेलर हैं सारे, वो थोड़े कुछ स्पीड कंट्रोलर हैं, रिसीवर्स, एक ये रिमोट भी है। ये जो है ना, ये सेम ऐसी गाड़ी है, और इसको खोल के रखा हुआ है, तो ये इसकी प्लेट है। तो बस यार आज के लिए इतना ही, ठीक है। हाँ तो यार कैसी लगी आपको मेरी वर्कशॉप? तो चलो यार आज की वीडियो फिर बंद करते हैं यहाँ पे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, और अल्लाह हाफिज़।